नगर पंचायत मोहनलालगंज के मूल गांव में श्री वंशी बाबा रामलीला व दशहरा मेला समिति मूल द्वारा श्री बंसी बाबा मंदिर प्रांगण में मंगलवार की रात भगवान राम का राज्याभिषेक किया गया। रामलीला कमेटी द्वारा पिछले 53 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार रावण वध और लंका विजय के पश्चात वन से भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता और हनुमान के अयोध्या वापस आने पर मंगलवार को राज्याभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता। डंडा रामलीला मंचन के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के पश्चात राम के मस्तक पर तिलक लगाकर राम का राज्याभिषेक किया गया। भगवान श्री राम माता सीता तीनों भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी जब रंग बिरंगी पोशाकों से सुसज्जित और मुकुट पहनकर सिंहासन पर विराजमान हुए तो श्रद्धालुओं ने आरती उतारकर और उनका पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान राम को राजगद्दी मिलने पर जहां समूचे अयोध्या वासी खुशी से झूम रहे थे तो वहीं बजरंगी हनुमान भी वानर भालुओं के संग भक्ति रूपे में डूबे दिखाई दिए। इस दौरान हनुमान के रोल में सतीश पांडे ने राजगद्दी देखने आए दर्शकों का मन मोह लिया। उन्होंने श्री रामचंद्र की बैठे हैं मेरे सीने में गाने पर जमकर नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को झूमने को विवश कर दिया। हनुमान के नृत्य से गदगद दर्शकों ने खूब तालियां बजाई और हनुमान जी के नृत्य का जमकर आनंद उठाया। इस दौरान दर्शकों द्वारा अपनी खुशी जाहिर करने के लिए बीच बीच में भगवान श्री राम का जय घोष किया जा रहा था, जिससे आसपास का वातावरण पूरी तरह से राममय बन गया था। रामलीला के समापन के मौके पर अंत तक लोग मंदिर प्रांगण में डटे रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में कमेटी के सभी सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। PPN न्यूज के लिए सरोज यादव की रिपोर्ट।